राज्यपाल का जो पद है वो जब स्टार्ट किया गया था, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जी उसके हिसाब से भी इनफैक्ट, क्योंकि उन्हें राज्य और केंद्र दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाया गया था। इस वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ राज्यपाल जो हैं वो उस जो अनबायस्ड तरीके से चीज़ों को करना होता है, उसको कई बार जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि हाल के समय में जब हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल के संदर्भ में देखते हैं, कर्नाटका के संदर्भ में देखते हैं, या फिर ये कहिए कि महाराष्ट्र के संदर्भ में देखते हैं, तो इन सभी संदर्भों में अलग अलग तरीके से जो कार्यकाल है राज्यपाल का वो कंट्रोवर्सी में आता रहा है। जी जैसे अगर हम एक संदर्भ में बात करें वेस्ट बंगाल के संदर्भ में, तो उसमें ये था कि हिंसा हुई और हिंसा के बाद जो राज्यपाल उसको रिकग्निशन लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में कुछ कहा, तो उसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि क्या राज्यपाल को फिर बिना कुछ कहे ही चीज़ों को देखते रहना चाहिए या इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी तरीके से अगर हम देखें तो कई जगह कर्नाटका के संदर्भ में जैसे देखा गया कि एक पार्टी को बहुमत मिला लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन जो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के राज्यपाल नियुक्त थे, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि मतलब उसको बहुमत माना और कहा कि जो सरकार जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत लेके आई है उसी को हम इनवाइट करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी जो है बहुत बार होती रही, और ये इसी तरह की कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र के संदर्भ में भी हुई है, जिसमें कि एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को नियुक्त कर दिया गया जिनके पास जो है बिल्कुल भी बहुमत नहीं था, और बाद में उसी चीज को फिर उसको रेक्टिफाई किया गया और फाइनली वो। तो इस तरह के जो कंट्रोवर्सीज हैं राज्यपाल के संदर्भ में ये बहुत बार आती रहती हैं, और इसका बेसिक जो मुझे लगता है कि एक कारण जो है वो ये है कि जो राज्यपाल होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और जब वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से बहुत बार कंट्रोवर्सीज होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे आप देखेंगे कि केरला के संदर्भ में भी हम लोगों ने ये एक बड़ी, और वहाँ के लेवल पे जैसे केरला और वेस्ट बंगाल के संदर्भ में मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही पिछले समय में उभर के आई है। तो एक चीज़ ये भी है कि क्या जो राज्यपाल हैं वो अगर मान लीजिए किसी भी बिल को पास किए हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई बिल पास हुआ है, अगर उसको हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं, तो ऐसे में भी कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा हुई हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक राज्य विधानसभा अगर कोई भी बिल पास कर देती है तो उस पे मुझे लगता है कि अगर राज्यपाल कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि उसको उसको वो सेंटर के पास भेज सकते हैं कि क्या ये मामला सेंटर के संदर्भ में है या राज्य के संदर्भ में। बाकी उसके अलावा मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सीज जो होती हैं वो कंट्रोवर्सीज मुझे लगता है कि वो अवॉइड की जा सकती है।